आपका ट्रेड यहाँ पे कंप्लीटली लॉस फ्री हो चुका है। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के टाइम में सेल और बाय लेग के बीच का डिफरेंस था 1500, अभी मैं 1500 पॉइंट्स और ऊपर लेके गया हूं, अभी आपको 3000 पॉइंट्स का सेफ्टी मिल रहा है। इस कारण से आपका ट्रेड हो चुका है कंप्लीटली लॉस फ्री। अब मार्केट कहीं भी जाए, मार्केट ऊपर जाए, साइडवेज रहे, मार्केट नीचे आए, अगर मार्केट नीचे आता है तो आपको लॉटरी ही लॉटरी है, आपका प्रॉफिट बहुत बड़ा है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो भी आपने इतना प्रॉफिट लॉक कर लिया है। हाय, इट्स रोशन अगेन। फ्रेंड्स, आज जो स्ट्रेटजी हम सीखने वाले हैं ये बहुत ही सेफ स्ट्रेटजी है, एंड आप इस स्ट्रेटजी को किसी भी सिनेरियो में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे आपका व्यू साइडवेज हो या ट्रेंडिंग हो, किसी भी डायरेक्शन में। अभी जो स्ट्रेटजी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख सकते हैं मार्केट अगर साइडवेज है तो भी आपके पास क्रेडिट है, एंड मार्केट किसी भी डायरेक्शन में ट्रेंडिंग हो, चाहे वो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, ड्यू टू ब्लू लाइन आपको प्रॉफिट होगा। इस स्ट्रेटजी को मैं साइडवेज एंड ट्रेंडिंग दोनों सिनेरियो में सिमुलेशन करके दिखाऊंगा कि ये स्ट्रेटजी कितना इफेक्टिव एंड कितना सेफ है। अभी मैं आपको करंट का यानी कि अप्रैल एंड लास्ट ईयर दिसंबर का सिमुलेशन करके दिखाऊंगा। लास्ट ईयर दिसंबर में मार्केट 2000 पॉइंट्स ऊपर गया था, तो मैं आपको दोनों सिनेरियो में सिमुलेशन करके बताऊंगा कि डिफरेंट सिनेरियो में स्ट्रेटजी कैसे परफॉर्म करती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको लास्ट ईयर दिसंबर का करके बताऊंगा। देखो, आपको सबसे पहले यह समझना है कि स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कैसे करना है। आप इस स्ट्रेटजी को 3 मंथ्स पहले, 4 मंथ्स पहले या 2 मंथ्स पहले भी कर सकते हैं। जैसे दिसंबर में, यानी कि मैं आपको 28 नवंबर का इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 28 नवंबर बॉटम था, मार्केट यहां से ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स ऊपर गया था। आप देख सकते हो कि अभी मार्केट 19,820 पे है। अगर मैं 1 दिसंबर को इस ट्रेड को लेता हूं, अगर मैं 1 दिसंबर को इस ट्रेड को लेता हूं तो मार्केट 20,200 पे था, यानी कि 400 मार्केट्स ऑलरेडी ऊपर जा चुका था। मैं आपको दिसंबर का वो बड़ा मूवमेंट एक्सप्लेन करना चाहता हूं जहां पे मार्केट ने ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया था, इसीलिए मैं 28 नवंबर को इंप्लीमेंट कर रहा हूं। देखो, आपको करना क्या है, इस स्ट्रेटजी में 4 लेग्स होंगे, 2 लेग आपको क्वार्टरली वाले में डालना है। देखो, जनवरी और फरवरी में लिक्विडिटी उतना अच्छा नहीं मिलता है, आपको सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मार्च में मिलता है, जून में, सितंबर में एंड दिसंबर में मिलता है। इसीलिए मैं मार्च मंथ में 2 लेग क्रिएट कर रहा हूं। 10 डेल्टा के आसपास का जो भी 1000 मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस होगा, उस स्ट्राइक प्राइस पे आपको 2 लेग क्रिएट करना है, एक कॉल साइड में एंड एक पुट साइड में। कॉल साइड में देखो, एग्जैक्ट 10 डेल्टा आपको नहीं मिलेगा, बट 10 डेल्टा के आसपास का जो 1000 मल्टीपल वाला स्ट्राइक प्राइस था, यहाँ पे मैंने एक 3 लॉट सेल किया एंड पुट साइड मैंने 17,000 का 3 लॉट यहाँ पे सेल किया। एंड करेंट वाले मंथ में इनसाइड बाइंग करना है, 1 लॉट एटलीस्ट 1500 2000 के आसपास का गैप होना चाहिए, 1000 या 500 के मल्टीपल वाले स्ट्राइक प्राइस पे, ताकि आपको लिक्विडिटी अच्छा मिले। मैंने दिसंबर में 21,000 का कॉल बाय किया एंड दिसंबर में ही 18,500 का पुट मैंने बाय किया है। 18,500 का पुट मैंने क्यों बाय किया है, क्योंकि अगर मैं 19,000 का पुट बाई करने जाता, तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता। आप देख सकते हैं 19,000 का प्रीमियम यहाँ पे मुझे 28 रुपीस पे करना पड़ रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे 18,500 का प्रीमियम सेलेक्ट कर रहा हूँ, 18,500 का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे प्रीमियम आपको ज़्यादा पे ना करना पड़े एंड स्टिल 1,500 का गैप है। ठीक है, स्टिल 1,500 का गैप है, इसीलिए मैं यहाँ पे 18,500 का पुट सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपको कोशिश करना है कि डिस्टेंस भी ज़्यादा हो एंड प्रीमियम भी ज़्यादा पे ना करना पड़े। मैं आपको जल्दी से आगे लेके चलता हूँ, देखते हैं कि जब मार्केट ट्रेंडिंग रहता है तो हमारा स्ट्रेटजी कैसा परफॉर्म करता है एंड हम क्या पॉसिबल एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एडजस्टमेंट ही बताऊंगा, मैं आपको लॉस फ्री करना बताऊंगा कि आप अपने ट्रेड को लॉस फ्री कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पेशेंस के साथ इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको हर सिनारियो एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको एडजस्टमेंट भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देखो मार्केट में ट्रेंडिंग मूव आ रहा है, जैसे जैसे मार्केट में ट्रेंडिंग मूव आ रहा है, जैसा कि ब्लू लाइन से हमें पता चल रहा था, ड्यू टू ब्लू लाइन हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ड्यू टू ब्लू लाइन हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। मार्केट में चाहे ट्रेंडिंग मूव हो या साइडवेज हो, मैं आपको साइडवेज का भी बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखो मार्केट
अभी कितना प्रॉफिट चल रहा है, ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास, ठीक है। थोड़ा अगर अच्छा प्रॉफिट हो जाए तो आप उसके बाद अपने प्रॉफिट को लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट ऑलमोस्ट कुछ दिन और आगे चलते हैं, हाँ अभी आप देख सकते हैं 15 दिसंबर को ऑलमोस्ट 3% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है 15 दिसंबर को। अभी आप सिर्फ एक एडजस्टमेंट करेंगे एंड आपका ये पूरा ट्रेड लॉस फ्री हो जाएगा। आपको करना क्या है, जो आपका प्रॉफिटेबल वाला पार्ट है, मतलब अभी हमारा प्रॉफिट किस तरफ हो रहा है, अभी हमारा प्रॉफिट हो रहा है कॉल साइड में, तो आपको अपने प्रॉफिटेबल वाले पार्ट को बुक करना है, मतलब जहां पे आपको प्रॉफिट हो रहा है उस वाले पार्ट को, उस वाले स्प्रेड को, उस वाले सेट को बुक करना है, कॉल को बुक करो। एंड अनटेस्टेड साइड में जो आपने बाई किया था इनसाइड बाइंग, ये प्रीमियम अभी बहुत कम हो चुका है, ठीक है। अभी आपको करना क्या है, 18,500 के पुट को बुक करो, 18,500 के पुट को बुक करो एंड 18,500 के पुट को बुक करके देखो, अगर आप 20,000 पे आते हो तो अभी भी आपको सिर्फ 8 रुपीज पे करना पड़ रहा है एंड आप 1,500 पॉइंट्स ऊपर आते हैं, 1,500 पॉइंट्स आप ऊपर आते हैं, आपका स्प्रेड और भी सेफ हो जाएगा, ठीक है। आपने बाई किया था 12 रुपए पे, आप एग्जिट कर रहे हैं 4 रुपीज पे, ठीक है। अभी मैं 1,500 पॉइंट्स का सेफ्टी ले सकता हूं जस्ट बाय पेइंग 4 रुपीज एक्स्ट्रा, 4 रुपीज पे मैं एग्जिट कर रहा हूं, जस्ट 4 रुपीज एक्स्ट्रा पे करके मुझे 1,500 पॉइंट्स का एक्स्ट्रा सेफ्टी मिल रहा है। पहले से भी गैप था, पहले से भी 1,500 पॉइंट्स का गैप था, मैं 1,500 पॉइंट्स का और एक्स्ट्रा सेफ्टी ले रहा हूं। अभी आप देखो आपका ट्रेड यहां पे हो चुका है कंप्लीटली लॉस फ्री, आपका ट्रेड यहां पे कंप्लीटली लॉस फ्री हो चुका है। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के टाइम में सेल और बाई लेग के बीच का डिफरेंस था 1,500, अभी मैं 1,500 पॉइंट्स और ऊपर लेके गया हूं, अभी आपको 3,000 पॉइंट्स का सेफ्टी मिल रहा है। इस कारण से आपका ट्रेड हो चुका है कंप्लीटली लॉस फ्री। अब मार्केट कहीं भी जाए, मार्केट ऊपर जाए, साइडवेज रहे, मार्केट नीचे है, अगर मार्केट नीचे आता है तो आपको लॉटरी ही लॉटरी है, आपका प्रॉफिट बहुत बड़ा है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो भी आपने इतना प्रॉफिट लॉक कर लिया है। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, बहुतों को डाउट होता है लिक्विडिटी का, तो देखो मैं आपको ये अभी लाइव मार्केट है, ठीक है, अभी लाइव मार्केट है, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं मंडे को, मैं आपको अगला सिनारियो लेने वाला हूं अप्रैल मंथ का, इसलिए मैं आपको जून 25,000 का बिड एंड आस्क प्राइस का डिफरेंस आपको कितना नजर आ रहा है, 0.2, 0.3, 0.4, मैक्सिमम 0.5, यानी कि स्लिपेजेस के लिए आपको सिर्फ 0.2, 0.3, 0.4, मैक्सिमम 0.5 के आसपास तक का ही सैक्रिफाइस करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं अप्रैल मंथ का, ठीक है, वो हमारा ट्रेंडिंग मंथ था दिसंबर का, ये करेंट वाला मैं ऐड करके रखा हूं, आप देख सकते हैं, ठीक है, मैं एक एक दिन आगे करके चलता हूं। देखो आपका एक दिन में 0.5% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा था जस्ट इन वन डे, वन वीक में अगर 1% के आसपास का प्रॉफिट होता है तो आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, यू कैन बुक द प्रॉफिट एंड मूव अहेड। ठीक है, आप देखो मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज ही था अप्रैल मंथ में, मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज था। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रेटजी कि मार्केट अगर साइडवेज रहता है तो भी मिडिल में क्रेडिट मिलता है, मार्केट अगर ट्रेंडिंग होता है तो आपका प्रॉफिट और भी बड़ा होता है, मार्केट अगर ट्रेंडिंग होता है तो, ठीक है। अभी प्रॉफिट बहुत छोटा दिख रहा है एंड ऐसे भी मैं 12 अप्रैल से आगे जा नहीं सकता हूं क्योंकि आज मंडे है, तो फ्राइडे तक ही कर सकता हूं, बट स्टिल आप कोई भी साइडवेज मंथ ले लो, आप किसी भी साइडवेज मंथ को आप चेक कर सकते हो, किसी भी ट्रेंडिंग मंथ को चेक कर सकते हो, साइडवेज अगर मार्केट रहता है तो एक छोटा प्रॉफिट होगा या नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, अगर आपको लॉस होता भी है रेयर सिनारियो में तो बहुत छोटा लॉस होगा, बट अगर आपको प्रॉफिट होता है तो कितना बड़ा प्रॉफिट होता है वो हमने देखा दिसंबर मंथ वाले में। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो देखो ऑलमोस्ट आपको ऑन डिप्लॉयड कैपिटल 9% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। इस स्ट्रेटजी को डीपली समझने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना होगा, यहाँ पे होम पेज पे आप जाना, होम पेज पे, ठीक है, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा एवेंजर स्प्रेड, ऑलरेडी इस स्ट्रेटजी पे मैं, आप ये देख सकते हैं,
8, 10 के आसपास मैं वीडियो बना चुका हूँ। आपको इस प्लेलिस्ट का एवेंजर स्प्रेड का पूरा वीडियो देखना होगा। ये एक स्ट्रेटजी नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। आपको 100% तभी समझ में आएगा जब आप इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देखेंगे। एंड अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।